नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कश्मीरी पंडितों के जल्द घाटी में लौटने की बात कही है। भागवत ने उम्मीद जताई है कि आतंकवाद की शुरुआत के बाद 1990 के दशक में अपने घरों से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित जल्द ही घाटी में वापस लौट आएंगे। भागवत ने जम्मू में नवरेह समारोह के आखिरी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कश्मीरी हिंदू समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो दिन बहुत करीब है जब कश्मीरी पंडित अपने घर में वापस होंगे और मैं चाहता हूँ कि वो दिन जल्दी आए। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शराब की निजी दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर 25% तक की छूट देने की मंजूरी का विरोध शुरू कर दिया है। सरकार के इस कदम के बाद दिल्ली में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने आशंका व्यक्त की है कि दिल्ली में शराब पर घोषित छूट से उनके पड़ोस में कानून व्यवस्था की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है और ऐसी जगहों पर भीड़ एकत्रित होगी जिससे पहले दिल्ली सरकार ने गत फरवरी में शराब की बोतलों पर दी जाने वाली छूट और इसके साथ ही बिक्री योजना पर रोक लगा दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के जरिए सप्लाई को सस्पेंड कर दिया है। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने और सुविधाओं को अपग्रेड करने के मकसद से यह फैसला लिया गया। WHO ने बयान के अनुसार वैक्सीन प्राप्त करने वाले देशों से उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, लेकिन ये साफ नहीं है कि उचित कार्रवाई क्या होगी। पंजाब चुनाव में जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में विस्तार की तैयारी कर रही है। खबर है कि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में सक्रियता बढ़ा दी है। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। इसके अलावा अब मंडी में भी जल्द ही रोड शो करने वाले हैं। आपके फारूक अहमद बंदरे का कहना है कि जम्मू डिवीजन में कम से कम 50,000 लोग आप में शामिल हो गए हैं। केजरीवाल भी अन्य राज्यों में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दावा किया है कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों की एक टीम दिल्ली पुलिस को बताए बिना उन्हें गिरफ्तार करने शनिवार को उनके घर पहुंच गई। बग्गा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर आम आदमी पार्टी के निशाने पर आए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उपद्रव की जांच में जुटी पुलिस लाइंस थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में दिल्ली NCR में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने अब तक दर्जन भर स्थानों पर आरोपियों की तलाश में दबिश भी कर दी है। हालांकि 2 दिन पहले पकड़े हुए आरोपियों के अलावा अभी किसी अन्य संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सभी आरोपी फोन बंद करके फरार है। पुलिस का कहना है कि 6 टीम को जांच में लगाया गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में भारत अपने सैनिकों को नहीं भेज रहा है, इस बात की जानकारी श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने दी है। उच्चायोग ने रिपोर्ट्स का खंडन भी किया है जिसमें कहा जा रहा था कि भारत श्रीलंका में सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। दक्षिण एशियाई मुल्क में सरकार से नाराज जनता सड़कों पर उतर आई है। हालत की गंभीरता के मद्देनजर श्रीलंका में 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। ठाकरे ने कहा कि उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि भगवा पार्टी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है जबकि सरकार अपना काम कर रही है। ठाकरे ने कहा कि COVID-19 के बाद कुछ लोगों को एक नई बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो कोई काम नहीं करते और जब हम करते हैं तो वो हमें भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कांग्रेस नेतृत्व 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद पार्टी के अंदर उठ रहे सवाल को लेकर चिंतित है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर से साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है ताकि पार्टी के अंदर चल रही संगठन चुनाव की प्रक्रिया के तहत नए अध्यक्ष के चुनाव में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर विचार करने के लिए बुलाई गई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात की है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा की भारत यात्रा से दोनों देश के संबंधों में आई कड़वाहट दूर हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश के बीच शनिवार को हुई बैठक पुराने संबंधों में नई गर्मजोशी लाएगी। जिस प्रकार से दोनों देश के बीच कई नई शुरुआत हुई है उससे नेपाल पर चीन की पकड़ और कमजोर होगी तथा भारत नेपाल रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। नेपाल में पिछली कम्युनिस्ट सरकार के दौरान रिश्तों में तल्खी की वजह नेपाल का सीमा पर कुछ स्थान जैसे लिपुलेख, कालापानी आदि को लेकर बढ़ा चढ़ा कर दावा करना और उनके नक्शे जारी करना था। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलने के बाद अब अंतरिम याचिका को खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया गया है। वकील अंकुर चावला द्वारा तैयार की गई याचिका में मलिक ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के 15 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। विशेष अनुमति याचिका वकील VV खन्ना के जरिए दायर की गई है। दिल्ली और उससे सटे NCR के जिलों में अब सीधे बस यातायात सेवा उपलब्ध होगी। लोगों को घर से दफ्तर या बाजार जाने आने के समय में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दिल्ली NCR में भीड़ का दबाव कम करने और प्रदूषण में कमी लाने के लिए बसों के लिए नए रूट निर्धारित किए गए हैं जो सीधे और छोटे होंगे। दिल्ली से हस्तिनापुर जाने के लिए अब मेरठ के अंदर से नहीं जाना होगा। इस तरह बुलंदशहर से सोनीपत जाना है तो दिल्ली या गाजियाबाद नहीं आना होगा।
यूके में मिले कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट एक्सई ने एक बार फिर दुनिया भर में दहशत फैला दी है। कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का अलग वर्जन माना जा रहा है। दुनिया भर के स्वास्थ्य एक्सपर्ट की माने तो ये वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक है। इतना ही नहीं, कोरोना के अब तक के सभी वेरियंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के निदेशक राकेश मिश्रा का कहना है कि कोरोना का नया सब वेरिएंट एक्सई पहली बार जनवरी के मध्य में सामने आया, लेकिन मेरा मानना है कि इसके लिए हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया है। इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 के मुताबिक यदि नेशनल असेंबली में लाए प्रस्ताव को अवधि तय समय में अधिक हो जाती है तो उसे खारिज करने का विकल्प स्पीकर के पास होता है। हालांकि इसको लेकर पहले से अलग अलग राय जाहिर की जा चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा अपने एक दिन के प्रवास पर रविवार को सुबह वाराणसी पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री का विमान नई दिल्ली से सुबह वाराणसी के लिए रवाना हुआ। सुबह 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर नेपाल के पीएम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी अर्जुन देउवा और नेपाल के अधिकारियों की भी मौजूदगी देखी गई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर के प्रयोग ने इतना जोर पकड़ा कि उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी अवैध कार्य और निर्माण को लेकर बुलडोजर के प्रयोग की नौबत काफी कम ही आ रही है। पुलिस भी अपराधी के घर के बाहर बस बुलडोजर खड़ा कर रही है और वो सरेंडर कर दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला अवैध निर्माण करने वालों के साथ है। रामपुर में तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों ने जिलाधिकारी कार्यालय से प्रार्थना पत्र देकर अपने निर्माण गिरवाने की गुहार लगाई और प्रशासन ने अगले ही दिन से कार्रवाई शुरू कर दी है। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हेली ने शानदार शतकीय पारी खेली है। उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी शतक लगाया था। हेली बड़े मैचों में बड़ी पारी खेलने के लिए जानी जाती है। टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार 75 रनों की पारी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेली थी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक इस साल अडानी की नेटवर्थ 23.5 अरब डॉलर बढ़ गई है। इसके बाद वो 100 अरब डॉलर क्लब में पहुंच गया है। शुक्रवार को उनकी नेटवर्थ में 2.44 अरब डॉलर यानी कि 18,532 करोड़ रुपए की तेजी आई। अडानी की नेटवर्थ में इस साल 31 मार्च तक 27% की उछाल देखी गई है। शुक्रवार को उनकी सभी कंपनियों के शेयर तेजी के साथ बंद हुए। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। शनिवार को वो एक कार हादसे का शिकार हो गई थी। मलाइका अरोड़ा का कार के साथ मुंबई से बाहर खोपोली में एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया था। उस समय अभिनेत्री कार में मौजूद थी। एक्सप्रेसवे पर 3 गाड़ियों की टक्कर हो गई थी जिसमें मलाइका अरोड़ा की कार भी चपेट में आ गई। इस हादसे में उन्हें मामूली चोट आई है जिसके बाद मलाइका अरोड़ा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 2 अप्रैल को जारी अपडेट के अनुसार cuet.samarth.ac.in पर 6 अप्रैल से आवेदन पत्र जारी किया जाएगा। इस आवेदन फॉर्म को 6 मई तक जमा करना होगा। इसके साथ ही छात्रों के लिए जो अहम जानकारी साझा की गई है वो कि स्टूडेंट ध्यान दें कि जो भी स्टूडेंट यूजी प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें इस दौरान तक फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा क्योंकि उसके बाद उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पेट्रोल डीजल सीएनजी और गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दाम के बाद अब उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली का झटका लगा है। माना जा रहा है कि सरकार जून से बिजली महंगी कर सकती है। विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से 10 दिन में स्लैब वार टैरिफ प्रस्ताव मांगा है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई को छोड़कर घरेलू सहित अन्य सभी श्रेणियों की बिजली दरें बढ़ सकती है। सरकार ने सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में देने की घोषणा की थी, इसी कारण किसानों को राहत दी गई है। सरकार का बिजली विभाग में 6700 करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई करने के लिए मौजूदा दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 39वां दिन है। 39वें दिन भी यूक्रेन पर रूस के हमले जारी है। इस बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की माने तो उन्होंने रूसी वायुसेना के 8 हवाई ठिकानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया है। यूक्रेन की वायु कमान ने एक ऑनलाइन पोस्ट में बताया है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में 4 मिसाइलें, 2 SU-34 लड़ाकू बम वर्षक और 1 हेलीकॉप्टर और 1 SUV को खो दिया है। वहीं देश में आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की वृद्धि हुई, वहीं मुंबई में 85 पैसे की वृद्धि हुई है। श्रीलंका की नौसेना ने उनके क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में रामेश्वरम के 12 मछुआरों को पकड़ लिया है। इसके साथ ही सेना ने मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली और नाव को भी कब्जे में ले लिया है। बता दें कि ये 1 महीने में 8वीं ऐसी घटना है जिसमें श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को पकड़ा है। कुछ दिन पहले 29 मार्च को भी वहां की सेना ने 16 मछुआरों को पकड़ लिया था।
मार्च महीने में इस साल बढ़ी तपिश ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूर्यदेव ने इस कदर आग उगली है कि लोग गर्मी से बेहाल हो गए। इससे पहले 1901 में मार्च इतना गर्म रहा था। इसके उलट 1908 के बाद से सबसे कम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में 5.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 47.5 मिलीमीटर रही है। मध्य भारत में 87% कम बारिश हुई, जो सामान्य 8.4 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 1.1 मिलीमीटर है। उत्तर भारत में पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। देश भर में घटते संक्रमण दर के चलते कोरोना मामलों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1096 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1447 लोगों ने कोरोना को मात दी है, तो 81 लोगों ने इससे जान गंवाई है कल के मुकाबले। हालांकि जान गंवाने वालों की संख्या में खासी कमी नहीं है, कल 83 लोगों की जान गई थी और आज कुल मिलाकर 81 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शनिवार की रात आकाश में अद्भुत नजारा देखने को मिला। आकाश में अंधेरे को चीरते हुए एक चमकीला पिंड आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी। यह नजारा महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर, बुलगाड़ा, अकोला और जलगांव जिलों के और मध्य प्रदेश के इंदौर, खरगोन, खंडवा और झाबुआ और बड़वानी जिले में शाम 7:30 बजे देखने को मिला। लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया और फिर इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया है। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई है। देशभर में रमजान का चांद 2 अप्रैल को नजर आ गया। रमजान का चांद दिखने के बाद आज से रोजे की शुरुआत हो गई है। इससे पहले रमजान का चांद देखने के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की थी। इस दौरान जामा मस्जिद में लगभग 2 साल के बाद पहले जैसी रौनक नजर आई है। काफी तादाद में लोग तरावीह पढ़ने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे। रमजान का चांद शनिवार को दिखाई दिया। रमजान का चांद दिखने के साथ ही लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों को रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि रमजान के पावन महीने की शुरुआत पर बहुत बहुत बधाई। रमजान का यह महीना लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करे, साथ ही शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को और बढ़ाए। हाल ही के दिनों में हुए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में चीनी विदेश मंत्री वांगी, अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ब्रिटिश विदेश सचिव और जर्मन काउंसलर के सुरक्षा सलाहकार शामिल रहे थे। साथ ही रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी इस समय भारत के दौरे पर है। हालांकि सभी अपने अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूर्ति और भारत को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान यूक्रेन संघर्ष पर युद्ध विरोध बयानबाजी बनाए रखने की भारतीय स्थिति, रूसी सैन्य कार्रवाई की स्पष्ट रूप में निंदा करने से इनकार करना और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो और पश्चिमी देश के आगे घुटने नहीं टेकने की भारत की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले में शनिवार को संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की शुरुआत की। इस दौरान लोगों की तरफ से बच्चों के प्रति सीएम के लगाव को भी देखा गया। यहां कार्यक्रम के दौरान सीएम ने एक बच्चे के गोद में उठा करके प्यार दुलार भी किया। वहीं बच्चा भी सीएम से घुलमिल गया। वो ये नजारा जिसने भी देखा वो खुश हो गया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नन्नू कुमार, अखिलेश यादव, मिंटू कुमार, रोहित रोशन, ध्रुव कुमार, जुनून आर्मी, रघुनाथ प्रसाद, मनीष कुमार, जितेंद्र कुमार, दीपक यादव, विकी कुमार, सृष्टि साक्षी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत का सबसे विकसित राज्य कौन सा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।